नमस्कार दोस्तों, निफ्टी के वीकली एनालिसिस चार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि भले आप इंट्राडे ट्रेडर हो, भले आप स्कैल्पर हो, भले आप 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो करते हो, भले आप 5 सेकंड टाइम फ्रेम फॉलो, व्हाटएवर यू माइट डू, आपको वीकली एनालिसिस का चार्ट देखना ही चाहिए, वीकली चार्ट देखना ही चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट से जो लेवल, जो कन्विक्शन आपको मिलता है वो कहीं और से नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको कल की मेरी बात बताऊं, कल को मेरे को 16,402 का इंट्राडे प्रॉफिट हुआ, हेजिंग के साथ प्रॉफिट हुआ। एंड माय डियर, आई कैन टेल यू दैट वो जो प्रॉफिट मुझे हुआ है वो लेवल आई कुड हैव गॉट ओनली फ्रॉम द वीकली चार्ट। सो लेट्स गेट गोइंग विद द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी में टिपिकल डोजी कैंडल बना हुआ है। करंट वीक में निफ्टी ने जो हाई बनाया दैट वाज 22,794, प्रीवियस जो इसका लाइफ टाइम हाई था दैट वाज 22,775। ओके, तो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। इनफैक्ट इस वीक में भी एक दिन 22,783 का हाई बनाया था, दैट वाज अगेन अ न्यू लाइफ टाइम हाई, भले वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया था, बट एंड में जहां पे क्लोज दिया है 22,475, एक बहुत तेज गिरावट हमें वहां पर देखने को मिली, और 22,348 का जो है वो यहाँ पे हमारे निफ्टी ने जो है वो लो बना के रखा है। अगर आप मुझसे पूछे कि अमित भाई डायरेक्शन क्या है, आपका व्यू क्या है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, माय डायरेक्शन माय व्यू इज बेयरिश। अगर मैं ये चार्ट देखूं, मैं एक कैंडल देखूं, तो मैं बेयरिश व्यू लेना पसंद करूंगा, बशर्ते इस वीक का जो लो बना हुआ है 22,348 उसके नीचे निफ्टी जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि निफ्टी करंट वीक के लो के नीचे जाए। लो के नीचे जाना बहुत जरूरी है, जब तक लो के नीचे नहीं जाएगा तब तक डिफिकल्ट है कि यू नो हम एक पोजिशनल बेयरिश ट्रेड भी कैरी फॉरवर्ड कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऊपर की तरफ यस, अगर नया लाइफ टाइम हाई बनाना है तो इसको स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम लगेगा, और स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम के लिए मेरा यू नो पर्सनली ये मानना है कि अगर न्यू लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचे, उसके आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ी रेंज बनाए, तो नया लाइफ टाइम हाई बनेगा और फिर उसमें एक पावरफुल दम भी होगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए बायर्स का स्ट्रांग पावर चाहिए, और माय डियर बायर का स्ट्रांग पावर आपको कंसोलिडेशन के बिना नहीं मिल सकता है। दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू फॉलो। अगर करंट वीक का लो ब्रेक कर देता है तो पहले टारगेट के लिए मैं 22,213 या तो 22,200 का लेवल रखूंगा, और उसके बाद 2000 का बिग राउंड नंबर जो बनेगा उसके आसपास यू नो मैं एक सपोर्ट देखना पसंद करूंगा। तो ये मेरी यू नो तकरीबन तकरीबन नेक्स्ट वीक की प्लानिंग है। 400 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर वो टूट जाता है तो फिर यहाँ पे जो बड़ी कैंडल की लो बन रही है विच इज 21,782, उस लेवल के ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर की तरफ जो लाइफ टाइम है बनाया 22,800 उसके आसपास का एक लेवल प्लान करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलता हूँ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।